हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप अपने अनुसार जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन को मैं बेहतर बनाने के लिए आपको और क्लास लेकर आया हूं, जो विलोम का दूसरा क्लास है। ठीक है, विलोम शब्द का जो दूसरा क्लास हम लेकर के आए हैं, वो आपके जो नॉलेज है उस नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। तो नॉलेज को ही आपके इम्प्रूव करना हमारा परम कर्तव्य है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जो हम आज विलोम पढ़ाने जा रहे हैं, यह आपका तर्क पर आधारित है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जोड़े जाते हैं, उनके आधार पर होता है। व्याकरण की दृष्टि से भी हम इसे कैसे सिस्टमेटिक करते हैं, कैसे पहचान करते हैं, इसके आधार पर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। इस पर सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो स्पेशलिस्ट टीचर के माध्यम से आपको दिए जाते हैं, और सभी टीचर आपको क्लासेस देते रहेंगे ऐसे जैसे कंटिन्यू दे रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ ऐसे टीचर हैं जो जल्द ही आपके सामने आएंगे और आपको क्लासेस देंगे। तो चलिए आगे हम सबसे पहले नियम के बारे में पढ़ते हैं। नियम क्या है? तो विलोम का जो दूसरा वीडियो है, ये विलोम का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उपसर्ग। दूसरा जो नियम है, पहला नियम से पूरा आप लोग पढ़ चुके हैं उस वीडियो में, और हम दूसरे नियम से पढ़ेंगे उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। उपसर्ग का परिवर्तन कैसे होता है, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा देखेंगे। तो संयोग से वियोग क्या है, आपका यहाँ ध्यान रखेंगे। संयोग से वियोग यानी संयोग का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, वियोग होता है। आदान से प्रदान यानी आदान का क्या होता है, प्रदान होता है विलोम। सुलभ से दुर्लभ, सुलभ का उल्टा क्या है, उल्टा क्या होता है, दुर्लभ होता है। वैसे ही आयात, आयात का उल्टा क्या होता है, निर्यात होता है। उम्मीद है दोस्तों यह आप उपसर्ग समझ गए होंगे, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। तो ये आप उपसर्ग के द्वारा परिवर्तन जैसे होते हैं, विलोम कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में। लेकिन हम तीसरा नियम जो पढ़ेंगे तो लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। लिंग मतलब आप समझ रहे होंगे, लिंग यानी जिस शब्द से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। एक बार और डेफिनेशन मैं आपको क्लियर करा देता हूं। जिस शब्द से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग क्या होता है, इसके बारे में भी आपको डिफाइन कर देते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम इस पर चर्चा करते हैं लिंग परिवर्तन द्वारा। तो लिंग परिवर्तन द्वारा कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसा विलोम बनता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, दिया है आगे लिंग परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन के बाद जैसे राजा, राजा का विलोम क्या होगा, रानी। भाई का विलोम क्या होगा, बहन। वर का विलोम क्या होगा, कन्या। और माता का विलोम क्या होगा, पिता। ठीक है, तो शेर का विलोम क्या होगा, शेरनी। शेर का विलोम क्या होगा, शेरनी। ठीक है ना, ऐसे विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द बनाने के आपको जो नियम पढ़ा है वो बहुत बेहतर नियम, अगर आप पढ़ लीजिए तो एग्जाम में किसी प्रकार का विलोम आ जाएगा तो आप क्वालिफाई कर लेंगे और कर लेंगे उसे। ठीक है, आसानी से कर लेंगे। अब आप लिंग के द्वारा आप समझ गए होंगे, एक क्या बोले हैं, लिंग का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और उसके बाद देख लीजिए राजा का रानी, भाई का बहन, वर कन्या, माता का पिता। वैसे एक चौथा नियम है इसका, वो चौथा नियम दिया गया प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। प्रत्ययवत जो होता है वो प्रत्यय के साथ, प्रत्यय की डिफिनेशन क्या होता है, प्रत्यय का डिफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूं। जो शब्द शब्द के शब्दांश के अंत में जुड़कर, जो शब्द शब्दांश के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग क्या होता है, वे शब्दांश जो शब्द से पहले, वे शब्द जो शब्दांश से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर हम पिछली वीडियो बताए हुए हैं। अब हम चलेंगे प्रत्यय के रूप में। प्रत्यय के रूप में क्या है, तो देखेंगे केंद्र, केंद्र के क्या हो, केंद्र विगामी, इसमें क्या बड़ी हो गया, तो उसे क्या होता है, केंद्र, केंद्रापसारी। क्या होगा विलोम, केंद्रापसारी। देखिए केंद्र का मूल शब्द क्या जुड़ा क्या इसमें, ये आपका जुड़ गया विगामी जुड़ गया, तो यहाँ क्या होगा, केंद्रापसारी से पसपसारी, पसारी आपका क्या हो गया, यह आपका प्रत्यय हो गया और केंद्र आपका मूल शब्द हो गया। उसी प्रकार दयापूर्ण, तो दयापूर्ण पूर्ण के स्थान पर दया शून्य हो जाएगा। उसी प्रकार स्त्रीयत्व, तो यहाँ क्या होगा, स्त्रीहीन हो जाएगा। गतिमान, गतिहीन हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ ही बदल रहा है, यानी ये आपका जो दिया है यह प्रत्यय ही बदल रहा है। गति विकास का क्या, गति ह्रास होगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्यय बदल रहा है। तो इसलिए इसलिए देख रहे हैं कि क्या, प्रत्यय परिवर्तन से भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं, प्रत्यय परिवर्तन से भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं।
अगला हम देखेंगे पांचवा नंबर जो कह रहा है भिन्न शब्द द्वारा है, जो भिन्न कुछ ऐसे भिन्न शब्द होते हैं उनके द्वारा। अब देखिए क्या बहुत सारे भिन्न शब्द होते हैं, भिन्न शब्द होते हैं वो अनंत होते हैं जिससे भी बनाया जा सकता है विलोम। आइए इस पर देखते हैं, लाभ का क्या होता है, हानि होता है। मुंह का क्या होता है, वाचाल होता है। आगे और बढ़ेंगे, कटु का क्या होता है, मधु होता है। गुरु का क्या होता है, लघु होता है। ठीक है, तो ये आप क्या है, ये आपका विलोम है। तो चलिए हमने आपको ये जो नियम थे ये हमने आपको चार नियम इस वीडियो में बताए हैं, और पिछली वीडियो हमने कम से कम 9 या 10 नियम को पूरा हम चर्चा किए हैं। उस पूरे नियम को आप क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद ही ये वीडियो देखेंगे। जब वो पूरा नियम आप पढ़ लेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत आसान होगा समझना। ठीक है, तो हमें समझना ही है, हमें रटना नहीं, हमें समझना है। और जब समझ लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो अब भिन्न शब्द द्वारा, भिन्न शब्द द्वारा क्या है आइए देखते हैं। अनुकूल, अनुकूल का क्या होता है, प्रतिकूल होता है। अनेकांत का क्या होता है, एकांत होता है। अधिष्ठित का क्या होता है, अनाधिष्ठित होता है। अर्जित क्या होता है, अनर्जित और प्रदत्त होता है। इन बातों को ध्यान रखना, दो इसका होता है, इसे याद कर लेंगे। अनैत का क्या होता है, ऐक होता है। अनावृत का क्या होता है, आवृत होता है। और छूर्य का क्या होता है, छूर्य होता है। अव्ययी का क्या होता है, विव्ययी होता है। इसे हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। अभी आने वाला है आपका UP SSC पेट का एग्जाम आने वाला, उसी के लिए स्पेशल बैच हम लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। अर्थ का इति होगा, अर्पण का ग्रहण होगा, इस बात को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद और आगे चलेंगे, असीम का असीम होगा। फिर आगे देखेंगे असीम का क्या होगा, ससीम। इस बात को ध्यान रखना, असीम का ससीम होगा। अवन का अंबर होगा, अवन का अंबर होगा। और आगे जब देखेंगे यहाँ दिया हुआ है अराचीन, अराचीन मतलब प्राचीन हो जाएगा। यह आपका सबसे बेहतर, बहुत आसान है। अगर आप चाहेंगे तो इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका विलोम शब्द पूरा क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, कुछ भी आपको बचेगा नहीं, सारा क्लियर हो जाएगा। अगला आप देखेंगे अर्जन, अर्जन में क्या होता है, व्ययन होता है। अधोलिखित, अधोलिखित क्या होता है, उपरलिखित। अधोलिखित क्या होता है, उपरलिखित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पूरा नोट डाउन करके चलिए। अंतर्मुखी क्या होता है, बहिर्मुखी। और अभिमानी का क्या होता है, निराभिमानी। ठीक है, निराभिमानी। तो इसे हमें ध्यान रखना है, ये सभी जो हमने आपको लिखवाया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाला, जिसमें हिंदी आता है उसमें ये कंपल्सरी है। क्योंकि भिन्न भिन्न जो शब्द होते हैं वो अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। और ये आपका है विलोम शब्द का दूसरा वीडियो। विलोम को हम यही आज एंड करते हैं, क्योंकि विलोम का जो पूरा जो सिलेबस था विलोम को खत्म हमने कर दिया। अब आपका इसका प्रैक्टिस सेट आएगा, विलोम का प्रैक्टिस सेट। क्योंकि हमारा नियम है कि जब हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दे तो तुरंत प्रैक्टिस सेट कराए, ताकि पता चले कि जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको पता चले कि हमने अपना नॉलेज कितना गेन किया, गेन करना था, हमने नॉलेज को कितना इंप्रूव किया। समझना, तो वो जब नॉलेज आप पता चल जाएगा कि आपने कितना समझा कितना नहीं समझा। अगर नहीं आप समझे रहेंगे, पुनः जाकर वीडियो को रिकैप करके देखेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और फिर आप आएंगे तो फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो आपका आसान होगा, समझ में भी आ जाएगा, उसे करके दिखा भी देंगे। तो बहुत आसान है, कठिन नहीं है, क्योंकि हमने बस साधारण भाषा में और आपके बोलचाल की भाषा हमने समझाने का प्रयास किया है, और 100% हमें उम्मीद है कि आप पूरा समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका समाधान जरूर करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।